तो हे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपके पास है Redmi Note 5 Pro तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, Redmi Note 5 Pro में नया अपडेट आने वाला है। तो ये अपडेट है 9.5.6.0, एक OEIMIFE अपडेट है। तो ये अपडेट काफ़ी अच्छा है और इसके मैं आपको फीचर्स बताऊँगा और इसमें क्या बग्स फिक्स हुए हैं सारी बातें बताऊँगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं Redmi Note 5 Pro MIUI 9.5.6 अपडेट बेस्ड ऑन Android 8.1 Oreo। ये बेस्ड रहेगा Android 8.1 Oreo का। तो ये अनाउंस हो चुका है ग्लोबली, तो सभी को मिलेगा 29 जून, और डेट है इसकी 29 जून के बाद आपको सभी Redmi Note 5 Pro में ये अपडेट देखने को मिलेगा। तो इसके हाईलाइट पॉइंट पढ़ लेते हैं। MIUI 9.5 ग्लोबल रोम कमिंग ऑन Redmi Note 5 Pro। द लेटेस्ट वर्जन इज 9.5.6.0 OEIMIFE। तो यहाँ पर देख सकते हो Xiaomi India पोस्ट द फुल चेंज लॉग। इसमें आपको और भी फीचर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर Redmi Note 5 Pro है, तो 29 जून को आप सभी Redmi Note 5 Pro यूजर्स को ये अपडेट देखने को मिलेगा। 29 से आगे भी ये 2-3 दिन में सभी के फ़ोन्स में आ जाएगा, मतलब Redmi Note 5 Pro। तो जाके देखना सिस्टम में अपडेट में और जाके कर लेना। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँगा क्या इसमें फीचर्स आए हैं। तो यहाँ से देख सकते हो MIUI 9 बीटा स्टेबल 9.5.6.0 OEIMIFE फॉर Redmi Note 5 Pro। तो इज ए करंटली बींग पोस्ट रैंडम यूजर्स एंड द दूज हु डिड नॉट गेट द अपडेट विल हैव टू वेट फॉर इट्स पब्लिक रिलीज। अगर आपके में नहीं आया है तो रैंडमली इसको यूजर्स को दिया जा रहा है। अगर आपके में नहीं आया ये अपडेट तो आपको वेट करना पड़ेगा पब्लिक रिलीज तक। जब तक पब्लिक रिलीज नहीं होता है ये अपडेट, तो जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर बात करें इसकी फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो इस अपडेट के बाद आपको फीचर्स बहुत तरह के देखने को मिलेंगे। लेकिन इसमें दो हाईलाइट्स फीचर देखने को मिलेंगे। एक तो अगर आप इसको अपडेट कर लेते हो तो आपको 4K वीडियो शूट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब आप अपने फ़ोन से Redmi Note 5 Pro से 4K वीडियो शूट कर पाएंगे। हाँ, आपने सही सुना, 4K वीडियो शूट, जो काफ़ी अच्छी इसमें फीचर्स आया है। और जो नेक्स्ट जो फीचर है वो है डुअल सिम 4G सपोर्ट। आपके में पहले क्या होता था, बग्स होता था। अगर 2 सिम आप लगाते थे 4G वोल्टी सपोर्ट, तो वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता था, बग्स था। लेकिन इस अपडेट में बग्स क्लियर कर दिया है, एक नया फीचर आ गया है जो कि आप डुअल सिम 4G वोल्टी सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं और अच्छे से यूज़ कर पाएंगे आप लोग। तो यही था जो है ग्लोबल रोम, जो कि 9.5.6.0 है OEIMIFE अपडेट, जो कि काफ़ी अच्छा है। Redmi Note 5 Pro रैंडमली दिया जा रहा है, सभी को नहीं दिया जा रहा है, रैंडमली चूज़ करके दिया जा रहा है। और अगर आपको अभी तक नहीं 29 जून तक नहीं मिला, तो आपको 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, तो आपके में भी आ जाएगा ये अपडेट। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाओ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो। बस यार, फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।